नई H2 आ रही है गाइस, नई H2। मैंने आपको कहा था हम लोग जब भी H2 लेंगे तो हम लोग सेकेंड हैंड H2 नहीं लेंगे। जहाँ से भी जाता लोग रोना शुरू कर देते हैं। वो है ना मोहब्बत में जुनून है बट दोस्ती में सुकून। कल भी बोला था ये चने की दाल ली है, तो कमेंट्स में सबने बोला था ये चने की दाल ही है। राइट करियर तो तुमने आज है ही ना। So hey guys, good morning, welcome back to the new episode। बाबू भैया जैसे भी सो करके उठे and check this out, we are in kitchen। और इकरा बना रही है हमारे लिए ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मतलब लंच ही होता है हमारा। तो क्या बन रहा है आज खाने में? वो फिर से मैं बोलूंगी तो बोलोगे ये वो दाल नहीं है, वो दाल है। एक्चुअली गाइस चने की दाल ही थी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा। ये चने की दाल नहीं है, एक्चुअली ये दाल माश है, चने की दाल ये नहीं है। पाकिस्तान में कुछ अलग अलग चीजें बनती हैं क्या भाई, समझ नहीं आता। ये चने की दाल नहीं है, ये चने की दाल है। यार वो देखो, वो माश दाल है, दाल माश है। क्या है? दाल माश। क्या है? हाँ, दाल माश है और ये चने की दाल है। दाल माश क्या होता है? माश की दाल होती है। यार ये पहली बात तो मैंने आज से पहले कभी खाया नहीं है। ये दाल मैंने जरूर देखी है बट मुझे ना एक्चुअली पता नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना यार। ये तो वो जिसके हम लोग वो खाते हैं ना, जिसके हम लोग नमकीन खाते नहीं, वो वाली दाल है गाइस। कमेंट सेक्शन में है ना, सही बोल रहा हूँ। मैश माश दाल नहीं होता वो, माश मूश माश दाल। कल भी बोला था ये चने की दाल ली है, तो कमेंट्स में सबने बोला था ये चने की दाल ही है। तो द थिंग इज गाइस, अभी ये बना रही नाश्ता और मैं आपको आज का सीन बता देता हूँ। बहुत सारी गुड न्यूज है गाइस, गुड न्यूज है। लेकिन एक बैड न्यूज भी सुन लेते हैं। आज सुबह मेरी 10 बजे की फ्लाइट थी, वो फ्लाइट तो हम लोगों ने छोड़ दी थी बिकॉज H2 का काम करवाना था। और लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, हियर इज द गुड न्यूज। फाइनली H2 का काम ना डॉक्यूमेंटेशन में चल रहा है। इंडिया से जो H2 को इंपोर्ट कराने में टाइम लग रहा था वो ऑलमोस्ट 6 महीने लग रहा था, बट यहाँ से हम लोगों ने डीलरशिप में बात करी है तो बाइक अभी भी इंडिया ही इंपोर्ट हो रही है। बट अब जो टाइम लग रहा है वो बहुत कम हो चुका है, ऑलमोस्ट 2.5 महीने। मैं टाइम स्टिपुलेशन नहीं दे रहा हूँ बट नई H2 आ रही है गाइज, नई H2। मैंने आपको कहा था हम लोग जब भी H2 लेंगे तो हम लोग सेकेंड हैंड H2 नहीं लेंगे, हम लोग नई H2 लेंगे। फाइनली गाइज, जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो काम हो गया है। तो पर्सन आई टॉक्ड, उनसे मैं मिल भी लिया था सुबह, आई कुडंट ब्लॉग बिकॉज जो बंदा अरेंज करवा रहा था सुबह उसके साथ मीटिंग थी, हम लोगों ने फाइनल कर लिया था। एंड ये दुबई ट्रिप फाइनली सक्सेसफुल हो गई गाइस। तो ऑलमोस्ट आज सारे काम हो चुके हैं। जो मेरी सुबह की फ्लाइट थी वो हम लोगों ने छोड़ दी थी, एंड ये बाइक का ही काम इंपॉर्टेंट था तो वो हम लोगों ने करवा दिया। तो भी मैंने रात की दोबारा से फ्लाइट कराई है बिकॉज आज की फ्लाइट थोड़ी सी सस्ती पड़ रही थी। कल की फ्लाइट ना 1 लाख रुपए की पड़ रही है, विच आई रियली कांट गो फॉर। 1 लाख रुपए की फ्लाइट कराना इज नॉट सेंसिबल इनफ बिकॉज हैलोवीन आ रहा है ना, तो फ्लाइट्स और महंगी होती जा रही है। तो आज इकरा ना आखिरी बारी हम लोगों को खाना खिला रही है, फिर हम फिर हम लोग पता नहीं कब मिलेंगे। बट बहुत अच्छी लड़की है गाइस, मेरे एक्चुअली बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं दुबई में जो हु आर फ्रॉम पाकिस्तान, एंड इसने इन्होंने खाना खिला करके बहुत अच्छा ध्यान लगा है। तो क्या बोलते हैं पाकिस्तान में, शुक्रान, मतलब अगर थैंक यू बोलते हैं किसी को तो क्या बोलेंगे? शुक्रिया ही बोलेंगे। शुक्रिया इकरा, शुक्रिया बोल के वो होता है कि एहसान चढ़ाया था और एहसान खत्म। हां तो मतलब तुम पे मैं एहसान चढ़ा रहा हूँ कि तुम मुझ पे एहसान चढ़ा रहे हो? मुझ पे एहसान चढ़ा रहे हो कि नहीं? आप मुझे बोल रहे हो कि तुमने मुझ पे एहसान किया था जो कि मैं थैंक्स बोल के खत्म कर रहा हूँ। ओके, तो नहीं बोलना मतलब शुक्रिया। ओके गाइस, 2-4 किलो मैं घर के लिए भी खाना पैक करवा के ले आ लेता हूँ। फिलहाल आई जस्ट वोक अप तो तैयार होते हैं और मिलते हैं आपसे। गाइस सृष्टि ना बाथरूम में नहाने के लिए जा रखी है और इसे ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं यार। 2 घंटे तक कौन नहाता? मैं तो जैसे भी सो करके उठा हूँ बट पता नहीं कब आएगी गाइस। तो यार फाइनली हो चुके हैं हम लोग रेडी है और सृष्टि को ना ऑलमोस्ट 1 घंटा लगाया यार तैयार होने के लिए, बट आज लगा इसे 1 घंटा तैयार होने के लिए। आज नहीं लगा कुछ भी टाइम, सिर्फ सामान रखने में टाइम लगा है, पैकिंग करने में टाइम लगा है और बाकी और सब रूम सेट करने में। और ये ना बहुत सैड सी हो रखी है बट चेक दिस आउट गाइस, मेरी फ्लाइट है 10 बजे की और 6 बज रहे हैं और अभी और मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर इसने ना ऑफिस में बोला कि मैं थोड़ा लेट आऊंगी बिकॉज मेरे को अनु को छोड़ने जाना है, तो फिर ये ऑफिस भी नहीं जा पाई। प्लस अली को भी हम लोगों ने अब भी टेक्स्ट डालेंगे, सब कुछ रैंडम हो गया बिकॉज बाइक का काम हो गया। तो हमने सोचा मैं निकल जाता हूँ, एक दिन और यहाँ पर निकालना मुश्किल हो जाता क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1st को हमारी BMW की डिलीवरी एंड कल मेरी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है। फिलहाल गाइज मैं आपको अभी चीज बता देता हूँ, अभी ना एक बॉम और छोड़ना बाकी है, हमने 3 बॉम तो छोड़ दिए। 4th बॉम यह गाइज कि अभी हम लोग जा रहे हैं iPhone 14 Pro Max 1TB लेने के लिए, यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूरी है केवल, तो हम लोग फटाफट लेने जा रहे हैं वहां पर। होप हम लोग एयरपोर्ट के लिए लेट ना हो बिकॉज मेरी फ्लाइट है 10:20 की और अभी बज रहे हैं 6, ऑलमोस्ट 7 बजे तक भी अगर हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए ना तो भी हम लोग पहुंच जाएंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे ऑलमोस्ट आपको 2.5 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, हम लोग 3 घंटा पहले पहुंच जाएंगे तो सही हो जाए। आई हैव नेवर बीन टू दुबई एयरपोर्ट, आई रियली डोंट नो कि कितना टाइम लगता है। सृष्टि कितना टाइम लगता है बताओ? एयरपोर्ट के अंदर 2.5 घंटे तो मिनिमम चाहिए होगा आपको चेक इन करने के लिए, बोर्डिंग करने के लिए। चेक इन करने के लिए नहीं, 2 घंटे बाद बोर्डिंग बंद हो जाती है, 2 घंटे रहते हैं तो बोर्डिंग बंद हो जाती है। तो यार जल्दी चलते हैं, आई रियली डोंट वांट टू बी लेट, सो निकलते हैं यार। तो यार इकरा कर रही है हमारे लिए कौन सी टैक्सी?
करीम बट यार एक रखे साथ रह करके ना बहुत मजा है, इसने बहुत ध्यान रखा आपके बाबू भैया का और इसने मस्त मस्त खाना खिलाया। इंडिया आ सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग? मैं मोदी जी को रिक्वेस्ट करती हूँ अभी, इमरान खान को भी, और मैं इमरान खान को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई कम से कम माने जो इतने टैलेंटेड लोग है ना भाई, इतना मस्त खाना बनाती है, हम लोग ढाबे में ना तुम्हें भी ऐड कर लेंगे। सिस्टो मेरा प्लान तो भाई तुम्हें हम लोग राजमा चावल बनाने वाला बना देंगे और भव्या को हम लोग प्लेट धोने वाला। गाइस पूरा स्क्वाड पड़ा है हमारे पास और हर्ष को हम वो बनाएंगे जो वो बुला बुला करके बाहर बोर्ड पकड़ेगा कि 20 रुपए कड़ी चावल। 20 कड़ी चावल बनाना आता है भाई? इसे कड़ी चावल बनाने भी आते हैं और क्या क्या बनाना आता है? सुपर टैलेंटेड बट थैंक यू सो मच इकरा फॉर टेकिंग केयर, बहुत मजा आया इसके साथ। एंड हम पहली बार ही मिले थे बट जहां भी जाते हैं ना वहां अच्छे लोग मिल जाते हैं आपका ध्यान रखने के लिए। फिर ही भेटूंगा, पाकिस्तान में तो नहीं मिल सकते, नंबर मत दिखाओ। सो गाइस फाइनली वी आर रेडी टू लीव और इस रूम को वी विल मिस, बहुत याद आएगी इस चार्जर की और सृष्टि की भी और अली भाई की बहुत याद आएगी, इज नॉट हेयर टू लीव अस, और इसकी भी बहुत याद आएगी। फिर मिलेंगे कभी, हमारे एक डायलॉग है, यू हैव टू से पुई, मुझे नहीं बोलना था, बोलो ऐसे ऐसे बोलो पुई, सृष्टि करके दिखाओ उसे, बोलना भी तो दे, ऐसे बोलो पुई, छी छी इतना गंदा पुई। ओके मैम इस पे आप भी बैठ जाओ, मैं आपको भी लेकर चल लूंगा, दो बैग ऑलरेडी टांगे में। बट गाइस हमारी कैब आ चुकी नीचे, सो अभी हम लोग निकल रहे हैं रूम से। माय गॉड दुबई की बहुत याद आने वाली है, बहुत कसम इस अपार्टमेंट में ना इतनी सारी यादें लेकर के जा रहा हूँ मैं, अपने ही अपार्टमेंट हो जाता है सिस्टी हर जगह ना। अब तुम क्या अगले साल आ रहे हो? मैंने कहा था ना ये 6 दिन ऐसे बीतेंगे। अब तुम शायद अगले साल आओगे ना? अगले साल कम से कम, अगले साल तो अगले साल चलो यूएस आना। What? Guys, US. Oh, वैसे तो मेरा ऑस्ट्रेलिया जाने को। Okay, guys, US ही जाएंगे। Final bye to this sweet and caring person. नहीं आता मुझे ऐसे, पकड़ो बोलो पुई, बस ऐसे ही आता है। ज्यादा देर रह गए तो फिर यही, फिर हमें मोहब्बत हो जाएगी और तुम्हें नहीं होगी मोहब्बत फिर से। मतलब यार ये बॉलीवुड मूवीज नहीं देखती क्या? बॉलीवुड मूवी का डायलॉग है, भूल गया था मैं पाकिस्तानी ना तो ये बॉलीवुड मूवीज कहाँ देखती होगी। बाय बाय क्या हो रही है? तो यार सबसे मुश्किल मेरे लिए ऐसा हो चुका है कि नई लोगों से मिलूं तो अच्छा है, क्योंकि जब आप उन्हें छोड़ के जा रहे हो ना तो आपको बहुत दुख लगता है। ये भागते हुए तो नहीं आएगी वहां से? जा सिमरन जा, आ सिमरन आ। बाय बाय। आखिरी बारी आप इस लिफ्ट में देख रहे हैं गाइस मेरे को, इतने सारे सिनेमैटिक लिए इस लिफ्ट के शीशे में हम लोग ने जितनी बारी निकला था सारे इसके सिनेमैटिक थे। और सृष्टि का एड्रेस तो लीक हो चुका है बट आना मत यार, जब मैं आऊंगा तभी आना, ठीक है? कोई नहीं आएगा, आपको टेंशन ना लो, ब्रो से ना कोई परेशान नहीं करेगी, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं अगली बार से ऐसा करूंगी जहां जब तुम आओगे ना तब तक मैं अपनी लोकेशन तब तक के लिए टेंपरेरीली होटल में चेंज कर लिया करूंगी। गाइस हम लोगों ने बैग अपना रख दिया इधर और अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी तक मैं यहां सुपर कार में ट्रैवल कर रहा था एंड इट वाज अ सुपर बेस्ट टाइम। फिलहाल बैग निकालना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो मैं अंदर नहीं घुस पाऊंगा। तो बॉयज अभी हम लोग आए थे आईफोन लेने के लिए, बट व्हाट हैपेंड मैं आपको बता देता हूं। यहां पर दो वेरिएंट मिल रहे थे, वन वाज हांगकांग एंड द अदर वन द यूएस वेरिएंट। हांगकांग वाला वेरिएंट जो मिल रहा था हम लोगों को ना खुला वाला मिल रहा था एंड वो 15 सितंबर को एक्टिव था। जो यूएस वाला वेरिएंट हम लोगों को मिल रहा था वो इंडिया में ना गेट इट अराउंड लाइक 140,000 समथिंग, बट यहाँ पर वो मिल रहे हैं कितने का? 190,000 मोटा मोटा, हाँ मोटा मोटा 190,000 से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 2,00,000 रुपए का। एंड यहाँ पर ये बहुत महंगा दे रहे थे तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग रुक जाते हैं अभी, बिकॉज मैं 2,00,000 रुपए नहीं खर्च कर रहा हूँ एक ऐसे फोन के लिए जिसकी वारंटी ऑलरेडी 15 को एक्टिव हो चुकी है और वो खुला वाला फोन दे रहे थे बेसिकली। फिलहाल अभी एयरपोर्ट चलते गए, फ्लाइट ना छूटे, फ्लाइट छूटी तो फिर तो दिन ही दिन है हमारे पास आईफोन ढूंढने के लिए। यार हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग आईफोन दुबई से नहीं ले रहे बिकॉज इतने महंगे हो रहे हैं ना प्राइसेस, ऑलमोस्ट जो ओरिजिनल प्राइस है ना वो है 7,000 रुपए का, 7,000 भी नहीं 6,700 दिरहम, विच इज अप्रॉक्सिमेटली 1,50,000 रुपए, और अभी कहीं पर भी आईफोन स्टोर्स में ना अवेलेबल ही नहीं आईफोन, तो इस कारण से वो बहुत महंगा मिल रहा है। तो अभी शशि ने भी कुछ दिनों में इंडिया वापस आना है तो जब आईफोन के प्राइस सस्ते हो जाएंगे तो मैडम आप ही लेकर के आ जाना। कितने? 1-2? कोई नहीं, बस जितने आप अफोर्ड कर सकते हो।
जो भी लेके आओगे दो लेके आना मैडम। सो गाइस हम लोग पहुंचे एयरपोर्ट पे और चेक दिस आउट, एयरपोर्ट पे हमारे सब्सक्राइबर्स कहां से आप? नेपाल से। वो सांचे निंजा भाई सांचे से। अ लॉट ऑफ पीपल हैव मेट फ्रॉम नेपाल गाइस। मैं आपको पहचान गया गाड़ी से। थैंक यू सो मच दाई। राम रसंग बसनुस वा भाई, ये वाला बैग तो छूट गया। ओके बाय बाय सर, बाय बाय। मैंने वॉलेट रख लिया, फोन रख लिया, पासपोर्ट रख लिया, बट अभी भी गाइस हम लोग इतनी बैड ट्रिप में है ना, अगर अगर ये बोलेगी ना तो अभी हम लोग फ्लाइट छोड़ करके हम लोग घर जाएंगे। मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि इकरा ना फिर से रोने लग जाएगी गाइस। इकरा और रोने लग जाएगी और मेरी फिर से कल भी छुट्टी कराएगा और फिर उसके बाद क्या। आज इसका मूड इतना खराब हो रखा था शाम से कि शी वाज लीविंग, बट जाना तो पड़ेगा गाइस, मेरे को जाना पड़ेगा। अंदर ना गाइस बहुत भीड़ हो रखी है एंड आई होप बस हमारा फ्लाइट लेट ना हो, अगर फ्लाइट लेट हो गया तो ठुइयां लग जाएंगी गाइस, ठुइयां। गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं चेक इन एरिया में और चेक दिस आउट, सृष्टि इज हियर विद अस। करियर तो तुमने आज है ही ना। अपनी जॉब जूब सब छोड़ करके मेरे को एयरपोर्ट ड्रॉप करने आ रखे हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम भाई चेक इन एरियाज में यू कैन ब्रिंग पैसेंजर्स अलोंग विद यू। फिलहाल ज्यादा लंबी लाइन तो है, ऑलमोस्ट एक घंटा लगेगा। आई होप हम लोग चेक इन कर जाए टाइम से। चले जाओ तुम्हें ऑफिस तो जाना नहीं है ना, ऑफिस वाले बहुत कूल है, बाबू भैया आ रहे हैं तो फिर ज्यादा बोलेंगे तो बता दे। एक महीने का प्लान बना रहा हूँ गाइस, लेकिन बहुत सारे लोग आर फ्रॉम दुबई, हू आर फ्रॉम दार्जिलिंग, सो अच्छे से रहना। बाय बाय। सो गाइस वी फाइनली चेक्ड इन एंड हियर वी हैव आवर बोर्डिंग टिकट्स और चेक दिस आउट, सृष्टि तो हमारे साथ ही। चेक दिस आउट बॉयज, अली भाई इज आल्सो हियर। हम जा रहे हैं और अली भाई ना, ऐसे कैसे हो सकता है। फिलहाल इन लोगों का ना प्लान है मेरी फ्लाइट छुड़वाने का, तो हम लोगों ने चेक इन तो कर लिया बट वी आर नॉट स्टिल थ्रू द सिक्योरिटी चेक। और अभी हम लोग समोसा खाने आए गाइस, समोसा। ओके समोसा, आज के बाद समोसा किसी ने बोला ना गाइस, इट्स समोसा राइट। कमेंट्स में सब कमेंट कर रहे हैं कि इट्स नॉट संबूसा, संबूसा इट्स अरबिक स्टाइल कल्चर। लोग कमेंट कर रहे थे द गर्ल हैज गॉट संबूसा एंड बाबू भैया हैज गॉट हायाबूसा, मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी। एंड ये देखो अमीर लोग, हम तो भाई गरीब लोग खा रहे हैं और ये अमीर लोग, व्हाट इज दिस खाई। तो अभी हम लोग यार चाय और समोसा खा रहे हैं एंड इसके बाद हम लोग चेक इन करेंगे, बिकॉज मेरा चेक इन टाइमिंग इज 9:30, सो एक घंटा रहेगा हमारे पास। So guys, now it's time to say bye-bye to them. बहुत अच्छा लगा अली भाई, थैंक यू फॉर योर कंपनी एंड ऑलवेज गेटिंग टाइम फॉर मी। अली भाई ने ना मेरे आने से, ये बाद में करेंगे, अली भाई ने ना मेरे आने से पहले ना ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले छुट्टी ले रखी थी, बट कर्मा का रिलीज था, बट फिर भी वी हैड अ गुड टाइम है ना, वी हैड लॉट्स ऑफ फन एंड व्हेन ही इज हियर गॉन, डेज आर गॉन लाइक दिस। इसकी ये आता है बूसा जैसा बुलेट आ रहे जा रहे, बस आ रहे जा रहे। अभी अली भाई इंडिया आ रहे हैं गाइस 14 को गुजरात राइट, तो सूरत तो बताना था, तो सूरत में बाबू भाई, अभी तो फैंस मिल रहे हैं अली भाई को भी, अली भाई यो, तो अच्छा लगता है यू नो, लाइक जब भी आप इन्हें दुबई में मिले इनके साथ एक जादू की जप्पी तो बनता है। ये अली भाई मस्त एकदम, मैं व्लॉग पे रो नहीं रहा हूँ बट मैंने चाय बना ली रो। एंड हियर इज आवर होम, इट हैज बीन माय होम फॉर, मतलब ये मेरा परिवार, ये मेरा घर है यार। आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिफाइन की व्हाट शी मीन, बहुत अच्छा लगता है ना मेरे पास, मैं सबसे ज्यादा खुश पता है क्यों रहता हूँ जिंदगी में, मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो मेरा ध्यान रख सकते हैं भाई मेरे घर से बाहर, और मैं एकदम नूब हूँ गाइस, मेरे से चीजें नहीं होती, मेरे से चीजें नहीं संभलती। ये जैसे और अली भाई जैसे लोग हैं हमारे पास, दैट्स हाउ आई फंक्शन विद एवरीथिंग। बहुत छोटी छोटी चीजें मायने रखती है ना दोस्ती में, वो है ना मोहब्बत में जुनून है बट दोस्ती में सुकून, सुकून तुम सुकून नहीं है, वो आ रहे वापस, हाँ आएंगे हम लोग। बाय बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय सी यू, आई लव यू, बाय। ओके गाइस फिर भेट तुमला है ना, ए लास्ट वाला हुई एंड हुई सृष्टि हुई। ये नई नई चीजें मत बनाओ यार, पहले मैं पासपोर्ट निकाल लेता हूँ। ओके गाइस सी यू, बाय बाय, आई लव यू। हाँ ठीक ठीक, मैं जैसे चेक इन होता है मैं कॉल करता हूँ, ठीक है।
तो यार हम लोग फाइनली क्रॉस हो चुके हैं सिक्योरिटी चेक से, एंड दुबई का सिक्योरिटी चेक बहुत ईजी है. आपको अपने बैग से लैपटॉप्स निकालने की जरूरत नहीं है, इवन वायर निकालने की जरूरत नहीं है, चार्जेस निकालने की जरूरत नहीं है. जब भी आप इंडिया के सिक्योरिटी चेक से क्रॉस करते हैं ना, तो आपको पूरा बैग खोलना पड़ता है. सो दैट इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग पार्ट. यहाँ पर सिक्योरिटी चेक केवल 5 मिनट में हो गया. आई रियली डोंट नो इंडिया में ये दिक्कत क्यों रहता है कि आपको अपने चार्जेस बैग, लैपटॉप्स का बैग, अगर ड्रोन है ना आपके पास तो भूल जाओ, फॉर श्योर आपकी फ्लाइट कैंसिल होगी. दुबई में ड्रोन्स का भी इतना कुछ सीन नहीं है. हालांकि ना दुबई में आप ड्रोन्स उड़ा नहीं सकते, इंडिया में आप इजीली उड़ा सकते हैं. इट्स ऑलरेडी लाइक 8:40 फॉर नाउ, मेरी बॉर्डिंग 9:30 की शो है. ड्यूटी फ्री में जाकर के कुछ चीज़ें खरीदते हैं, एंड अगर आईफोन मिलता है यहाँ पर तो यहीं से उठा लेंगे. बाकी देखते हैं यार.